शहर का आकर्षण टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। एक और जू प्रबंधन का दावा है कि जानवरों को गर्मी की मार से बचाने का काफी प्रयास जारी है, वहीं दूसरी ओर इनकी कथनी और करनी में साफ फर्क देखा जा रहा है। गर्मी की तपिश के कारण टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के जानवर बेहाल हैं, परेशान हैं। जू का राजा शेर पानी के लिए तड़पता दिख रहा है। शहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर है। जू के जलाशय भी सूख गए हैं, पर इस संबंध में जब जूलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर से बात की गई तो उन्होंने इन सब परिस्थिति के विपरीत अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा, जू में जानवरों का गर्मी को ध्यान में रखते हुए विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बाड़े में चट और पुआल समेत कूलर भी लगा दिए गए हैं। जलाशयों में भरपूर पानी भी है, पर नजारा कुछ और ही बयां कर रहा है। इससे जू प्रबंधन की कथनी और करनी में साफ फर्क देखा जा सकता है। हर साल हम लोगों का एक समर एक्शन प्लान, जो ग्रीष्मकालीन जो एक हम लोगों का एक्शन प्लान होता है जानवरों के लिए, वो हम लोग पहले से ही फरवरी मार्च महीने के शुरू में ही तैयार हो जाता है। तो वही एक्शन प्लान अभी चल रहा है हम लोगों का। उसके तहत एनक्लोजर्स में डेजर्ट कूलर लगाना है, पक्षियों के पिंजरों के ऊपर पुआल बिछा देना है जिससे छाई हो, चटाई बिछा देना है, 24 घंटा पानी का इंतजाम करना, तो ये सारा काम चल रहा है। गर्मी काफी ज्यादा है तो ये तो व्यवस्थाएं हो गई प्राकृतिक से, अगर जानवरों को इस गर्मी से बचाना है तो और मेडिसिन की क्या व्यवस्था है उसमें? उसका भी किया गया है, जो हमारे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि भाई किस तरह से उनका स्ट्रेस जो होता है उसको थोड़ा कम किया जाए। तो डॉक्टर साहब जरा आप इनको बताइए कि क्या क्या मेडिसिनल या हेल्थ प्रिकॉशंस लिया गया है जानवरों के बारे में। वो तो ठीक है सर, दूसरा चीज बताइए कि काफी गर्मी पड़ रही है जमशेदपुर में, ऐसे में कोई जानवर इफेक्ट हुआ है क्या गर्मी में? देखिए, जानवर का मनुष्य जब इफेक्टेड है तो जानवर भी इफेक्टेड हो गए। तो हम लोग का जो कोशिश है कि पूरा वेलफेयर मेजर्स, छांव दिया जाए, पानी दिया जाए, खाना में उस तरह से उसको बदलाव दिया जाए, तो ये सब कुछ हो रहा है। सब्रों के उत्थान और उन्नति के लिए कई बार सरकारी स्तर पर कई घोषणाएं भी हो चुकी है, पर स्थिति पर गौर फरमाया जाए तो वही ढाक के तीन पात ही नजर आते हैं। एमजीएम अस्पताल में भर्ती एक सब्र को इंतजार है उचित इलाज की, पर इसकी सुधी लेने वाला कोई नहीं है। सब्रों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें संरक्षण देने के लिए सरकारी स्तर पर कई घोषणाएं हो चुकी है, पर आज भी वे बेहाल हैं और उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। घाटशिला थाना अंतर्गत रामचंद्रपुर के रहने वाले अरविंद सब्र डायबिटीज से पीड़ित हैं और उनके पांव में चोट भी है। वो 4 दिनों से एमजीएम अस्पताल में भर्ती है, पर उसकी समुचित इलाज नहीं हो रही है। इस सब्र मरीज को लेकर कोई भी गंभीर नहीं दिख रहा है, इसके इलाज में भेदभाव बरता जा रहा है, जिससे सरकारी घोषणाएं ढाक के तीन पात साबित हो रहे हैं। पर अरविंद सब्र को उचित इलाज का अभी भी इंतजार है। सरकार घोषणाएं तो करती है, पर उसे मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। मरीज की पत्नी से हमारे संवाददाता ने बात की। आप कहां से आए? क्या हुआ है इनको? पैर में चोट लग गया। डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं कर रहे थे? इलाज आज गया था तो बोला इमरजेंसी ले गया। कितने दिन से यहाँ भर्ती किए थे? अच्छा हो गया 4 दिन। 4 दिन से। क्या नाम है उनका? अर्जुन सर। और क्या हुआ है उनको? पैर में चोट लग गया, शुगर है, प्रेशर बहुत। दवाई आपको हॉस्पिटल देता है? हाँ दिया है डॉक्टर लोग। लेकिन इलाज ठीक से नहीं हो रहा है?